फिर वो ही मुझे ज्यादा मैसेज करने लगी, वही मुझे बोलने लगी कि आज आकर मिल लो या फिर कल मिल लो परसों मिल लो, वो मुझे ज्यादा अप्रोच करने लगी। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल मेरे सभी भाइयों को। आ गया है तुम्हारे भाई एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और इस वीडियो में आपको उन भाइयों के लिए मैं टिप्स देने वाला हूँ जिन भाइयों को गर्लफ्रेंड नहीं है या फिर जो किसी को अप्रोच कर रहे हैं और अभी तक वो उस काम में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। तो भाइयों, इस वीडियो में मैं बहुत इजी टिप्स देने वाला हूँ, और जो भी बातें आपको बताऊंगा उन सबको अप्लाई करने के बाद भी मेरे भाई अगर तुम किसी बंदी को नहीं अप्रोच कर पा रहे हो तो भाई एक बेस्ट काम है जो तुम कर सकते हो और डोरेमोन देखो जाके। सो भाई लेट्स गेट इनटू द वीडियो, और उससे पहले आपने भी एक काम करना है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना है और इस वीडियो को दबाकर शेयर करना है। पसंद आने पर वीडियो लाइक जरूर करें और एक कमेंट भी जरूर ड्रॉप कर दें। लेट्स गेट, सबसे पहला पॉइंट जो हर बंदे के अंदर चीज होनी चाहिए अगर वो किसी बंदे को पसंद करता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है या फिर उसको अप्रोच कर रहा है, और वो चीज है इग्नोरेंस एटीट्यूड। अब भाई आप मुझे बोलोगे भाई अगर आप उसे इग्नोर करने के लिए बोलोगे तो वो मुझसे क्या बात करेगी, अगर मैं ही उससे इग्नोर करूंगा तो वो मुझे भी तो नहीं देखेगी। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप एक इंसान हो तो वो भी एक इंसान है, अगर आपके अंदर फीलिंग है ना तो उसके अंदर भी फीलिंग्स है, और उसकी फीलिंग्स को बाहर अगर हमें निकालना है तो हमें कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे कि वो हमारी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट हो, और यही चीज आपका इग्नोरेंस एटीट्यूड कर देगी। अपनी अवेबिलिटी को उसके लिए कम करिए, उससे मिन्नतें मत करिए कि आपसे वो बात कर ले, आपसे आकर मिल ले, आपसे 2 मिनट बात कर ले, ऐसी मिन्नतें करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी अवेबिलिटी को उसके लिए कम करिए, अपने अंदर इग्नोरेंस एटीट्यूड लेकर आइए, उसको मैसेज करना कम कर दीजिए, उससे मिलना कम कर दीजिए। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा, पहली बात तो ये, जब भी आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे तो उसको आपकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी, लेकिन अब आपने अपनी अवेलेबिलिटी उसके लिए कम कर दी है तो वो जरूर सोचेगी कि इसने यार मेरे लिए अपनी अवेलेबिलिटी कम क्यों कर दी है, तो वो आपको याद करना शुरू कर देगी। दूसरी बात, उसको आपकी इंपॉर्टेंस भी समझ में आ जाएगी। अब भाई मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो मेरी एक फ्रेंड है जिसको जो मुझे ज्यादा भाव पहले नहीं देती थी, तो फिर मैंने यही एटीट्यूड उसके लिए शुरू कर दिया। जब मैंने इग्नोरेंस एटीट्यूड का यूज किया ना तो भाई उसका रिएक्ट मेरे लिए बिल्कुल बदल गया। फिर वो ही मुझे ज्यादा मैसेज करने लगी, वही मुझे बोलने लगी कि आज आकर मिल लो या फिर कल मिल लो परसों मिल लो, वो मुझे ज्यादा अप्रोच करने लगी। देन भाई तो अब वो मेरी अच्छी खासी एक फ्रेंड है। तो आप ये एटीट्यूड अपने अंदर जरूर बनाकर रखो अगर आप किसी को गर्लफ्रेंड बनाना चाह रहे हो या फिर किसी को अप्रोच कर रहे हो, तो अपनी अवेबिलिटी को उसके लिए हमेशा बनाकर बंद रखो, अपनी अवेबिलिटी को जरूर कम कर दो उसके लिए। अगर आप ये वाला एटीट्यूड अपने अंदर रखोगे तो आप जरूर किसी बंदे को अप्रोच कर। नाउ द सेकेंड पॉइंट जो हर बंदे के अंदर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, बिकॉज अगर ये चीज नहीं होती है ना तो भाई आप एक फेक इंसान लगोगे, और वो है आपने किसी अगर लड़की की तारीफ कर रहे हो तो उसकी जेन्युइन तारीफ करो, फेक तारीफ मत करो कि आप उसके लिए चांद तारे तोड़ के ले आओगे या फिर उसके लिए दुनिया से लड़ जाओगे, ये कर दोगे वो कर दोगे, ऐसी फेक बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। उसको बिल्कुल चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारे आगे चांद फेल है, मंगल फेल है, ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जेन्युइन तारीफ करनी है भाई। देखो अगर जेन्युइन तारीफ उसकी करते हो तो वो उससे ज्यादा इंप्रेस होगी बजाय आप उसकी फेक तारीफ करो। तो आप जेन्युइन बातें ही उसे बोलो, जो उसके अंदर अच्छाई हो, जो उसके अंदर चीज अच्छी हो, आप उसकी रियलिटी को ही उसे बताओगे तो वो बहुत जल्दी आपसे इंप्रेस होगी। और अगर फेक बताते हो तो भाई उससे कोई काम आपका नहीं बनेगा, तो इस बात को जरूर याद रखो। अगर आप उसे सही में अप्रोच कर रहे हो, सही में आप उसे पसंद करते हो, प्यार करते हो, तो उसकी जेन्युइन तारीफ करो, आई एम श्योर कि वो आपसे इंप्रेस जरूर होगी। तो ये वाली बात तो है हर बंदे के अंदर जरूर होनी चाहिए, बिकॉज जेन्युइन तारीफ जो है सभी को अच्छी लगती है, फेक करते हो तो वो उसे जरूर पता चल जाएगा। आई नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाई अपने आप को आपने
उसके लिए कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करना है, लाइक अगर आप नहीं हो तो उसका कोई काम नहीं होगा, आप उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हो, कुछ ऐसे अपने आप को एक्सप्रेस करो। बिकॉज भाई गर्ल्स जो हैं क्वालिटीज बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, और आपके अंदर क्वालिटीज जरूर होनी चाहिए भाई। अगर तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं होगी तो कोई गर्ल तुम्हें क्यों लाइक करेगी, उसका क्या बनता है कि वो तुम्हें लाइक करे अगर तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं है। और अगर भाई तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो उसे पसंद है, तो भाई डेवलप कर लो ना, क्या जा रहा है। तुम उसे पसंद करते हो, उसे अप्रोच करना चाहते हो, तो वो क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करो, जिससे वो और जल्दी आपसे इंप्रेस हो सकती है। तो भाई ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप उसके साथ कहीं डेट पर जा रहे हो तो उसकी बातों को अच्छे से सुनो, अच्छा एक लिसनर बनो। बिकॉज बहुत ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं है, अगर आप अपने ही बारे में बताते जाओगे तो फिर फायदा क्या है। बहुत कम लोगों को चांस मिलता है इस दुनिया में अपने बारे में एक्सप्रेस करने के लिए। तो आपसे जब पूछा जाए तो आप अपनी बात करो, लेकिन अगर आपसे नहीं पूछा जा रहा है तो आप जेन्युइनली उसकी बात सुनते रहो, देन अगर आपसे वो कहती है तो आप अपनी बातें उसे शेयर कर सकते हो। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए, और इसको भी आप जरूर नोट डाउन करिए और इसको भी जरूर यूज करिए। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रही होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को यार लाइक जरूर करना, मोटिवेशन मिलता है बहुत ज्यादा। कमेंट करके बताना कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लीजिए। जल्दी से हमारी जो है फैमिली 1000 मेंबर्स की होने वाली है, तो इसको और जल्दी पूरा करने के लिए वीडियो को दबाकर शेयर करिए और बस यूं ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ और न्यू कंटेंट के साथ।